So let us discuss about another concentration term, that is our formality. What is formality? And how it is defined? Let us see in today's lecture. आज हम लोग formalities के ऊपर चर्चा करेंगे. इसके पहले हमने बहुत सारे concentration term जैसे कि mole, mole fraction, molality, है ना, ये सब mole concept के अंदर में हम लोगों ने पढ़ रखा है. आज हम बात करने जा रहे हैं formality के ऊपर. So formality क्या होता है, कैसे define किया जाता है, क्या इसका formula होता है, कैसे इस पे questions आते हैं, ये सारे doubt आपको आज के lecture में clear हो जाएंगे. So let us see what is formality. तो हम इसको define करते हैं सबसे पहले कि formality होता क्या है, फिर हम इसके फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करेंगे और तब जा करके आपको यहाँ से कोई डाउट नहीं आएगा. सो लेट अस सी व्हाट इज फॉर्मैलिटी. सो फॉर्मैलिटी इज नथिंग बट अ कंसंट्रेशन टर्म. सबसे पहले हम बात करें कि ये क्या है, तो इट इज वन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म. फॉर्मैलिटी क्या है, तो कंसंट्रेशन टर्म है. जैसे बाकी के कंसंट्रेशन टर्म थे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज कंपोजिशन, सेम उसी तरीके से ये फॉर्मैलिटी का भी जो कॉन्सेप्ट है, इट इज डिफाइंड फॉर सॉल्यूशन. ये भी सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइंड है, सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. ठीक है, अब हम इसको डिफाइन कैसे करें तो देखते हैं. हम बोलेंगे कि इट मे बी डिफाइंड एज number of gram formula units of ionic solute, gram formula unit of ionic solute dissolved per unit या फिर per liter of solution. देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ आयनिक सॉल्यूट. मतलब लेट अस सपोज कि हमारे पास वाटर है और इस वाटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सॉल्ट डाल रहे हैं. ठीक है, वी आर पोरिंग सम सॉल्ट एंड द सॉल्ट द फॉर्मूला इज व्हाट, NaCl. सो इट इज नथिंग बट अ आयनिक कंपाउंड एंड इन दिस सॉल्यूशन इट एक्ट एज अ सॉल्यूट. सो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं. आयनिक सॉल्यूट कहने का मतलब एक ऐसा आयनिक कंपाउंड जो कि किसी लिक्विड में, किसी वाटर में डिसॉल्व किया जाए, सॉल्यूट के जैसा वो बिहेव करे, तो वहां पर हम उसको बोलेंगे आयनिक सॉल्यूट, है ना. तो हम फॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक सॉल्यूट, मतलब कितना मॉलिक्यूल हम आयनिक सॉल्यूट लिए हैं पर लीटर सॉल्यूशन में. जैसे एक लीटर सॉल्यूशन अगर हमको तैयार करना है, एक लीटर सॉल्यूशन तैयार हुआ तो इसमें कितना फॉर्मूला यूनिट, कहने का मतलब कितना कंपाउंड है NaCl का, वन मॉलिक्यूल है NaCl का, टू मॉलिक्यूल है NaCl का, थ्री मॉलिक्यूल है NaCl का, है ना. इसी के रेशियो को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फॉर्मैलिटी. नेक्स्ट बात इसमें हम लोग डिस्कस करें तो बोल सकते हैं कि इसको कैपिटल F से डिनोट किया जाता है, है ना. इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल F. इस चीज को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, तो हम बोलेंगे फॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू, डिफिनेशन को ही बस फॉर्मूला का फॉर्म लिख देंगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना. सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, इन्हीं के रेशियो को वी कॉल्ड एज फॉर्मैलिटी. हम इसी को बोलते हैं फॉर्मैलिटी. क्लियर हुई बात. चलिए नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं कि अनदर टर्म में हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, अनदर वे में हम इसको कैसे बता सकते हैं और ये कहाँ यूज होता है. तो बोलेंगे इट इज यूज्ड ये कहाँ यूज होता है, तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स, है ना, विच डू नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल molecule but exists as network of ions means इसका कहाँ यूज होता है, तो express करने के लिए, क्या, concentration of ionic solid, जैसे NaCl का example लिया, जो कि exist नहीं करते हैं molecule के form में, कैसे exist करते हैं, in the form of ions, network of ions. जैसे क्या है, NaCl बना है Na plus Cl minus से, तो यहाँ क्या है, यहाँ Na plus भी एक तरीके से ions है और Cl minus भी ions है, तो जो network of ions के form में जो solute होता है, उस चीज के concentration को ऐसे solid के concentration को express करने के लिए हम use करते हैं term formality का. क्लियर है बात, है ना, क्लियर है बात. चलिए नेक्स्ट आते हैं.
नेक्स्ट आते हैं, इसको एक तरीके से और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर बेसिकली एक हमारा टर्म आता है इसी के अंदर में फॉर्मल सॉल्यूशन, कि फॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करें। जैसे देखिए क्लास टेंथ में भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में एम्पियर है ना, एम्पियर तो वहां वन एम में आ रहा होगा, वन एम्पियर को क्या बोलते थे, वन कूलम अपॉन वन सेकेंड है ना, वन वोल्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आता था है ना, हम बोलते थे वन जूल अपॉन वन कूलम, तो जहां ये वन वन का रेशियो आता था उस चीज को हम क्या बोलते थे, उस चीज को हम बोलते थे वन यूनिट, मतलब वन यूनिट एम्पियर क्या होता है, वन यूनिट वोल्ट क्या होता है। सेम फॉर्मल सॉल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट कुछ उसी तरीके से, क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन ग्राम, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन ग्राम फॉर्मूला मास, वन ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, वन ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब हर एक एक लीटर सॉल्यूशन में वन ग्राम बस फॉर्मूला यूनिट, मतलब वन बाई वन हो गया ना, वन ग्राम अपॉन वन लीटर है ना, पर लीटर सॉल्यूशन हैज फॉर्मैलिटी, क्या होगा उसका फॉर्मैलिटी होगा इक्वल टू वन। और हम उसी चीज को बोलते हैं, एंड इज कॉल्ड एज फॉर्मल सॉल्यूशन, उसी को हम बोलते हैं क्या, फॉर्मल सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि फॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वन ग्राम फॉर्मूला मास हो सॉल्यूट का और उसका फॉर्मेलिटी क्या हो, वन के इक्वल हो जाए, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फॉर्मल सॉल्यूशन। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लीटर में। अच्छा देखिए, इसको डिवाइड किसे कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम से। अब अगर बात करें कि एक सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम एक्स है, लेट अस सपोज इसका वॉल्यूम एक्स है, अगर हम इसको हीट करना शुरू करें तो क्या होगा, इसके वॉल्यूम बढ़ेंगे, इसके वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वो एक्सपैंड करेगा है ना, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, हीट करने की वजह से, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर। सेम तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फॉर्मेलिटी को डिफाइन कर रहे हैं किससे, नंबर अपॉन वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये घटेगा, नीचे वाला टर्म बढ़ता है तो ऊपर वाला टर्म घट जाता है ना, तो इसका मतलब कि वॉल्यूम के बढ़ने से फॉर्मेलिटी घट रहा है, वॉल्यूम के घटने से फॉर्मेलिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि फॉर्मेलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आई बात समझ, तो जो हमारा सेकंड डेफिनेशन था आयंस के फॉर्म में, वहीं से हम एक और फॉर्मूले को बता सकते हैं यहां से, कि फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस चीज को भी हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी, इस चीज को भी हम फॉर्मेलिटी बोल सकते हैं। सो इसी के ऊपर हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा है ना, ये जेई नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, फॉर्मेलिटी कुछ है ही नहीं, फॉर्मेलिटी क्या है, ग्राम फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट, मतलब फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट, बेसिकली बोल सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।